मेष राशि, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। नौकरी मिलने का योग है, शुभ रंग है लाल। आज महालक्ष्मी को थोड़ा सा सिंदूर जरूर अर्पित करें। वृषभ राशि, नौकरी की समस्या दूर होगी, अपनों की सलाह से धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज देवी लक्ष्मी को एक नारियल का फल जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, वाहन खरीदने का योग है, मन की निराशा खत्म होगी। शुभ रंग होगा मरून। आज देवी लक्ष्मी को केसर वाली मिठाई जरूर अर्पित करें। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महा उपाय की जो आपको मालामाल बना सकता है। मित्रों, दीपावली के पावन पर्व पर एक भोजपत्र आप लीजिए, लाल चंदन से श्रीम लिखकर आप अपने पर्स में रख लीजिए। ये छोटा सा उपाय यकीनन आपको लाभवान बनाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपका पैसा कहीं व्यापार में फंस गया है तो धीरे धीरे वह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशि पर। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, कार्य को समय पर करें, आज अन्नदान जरूर करें। शुभ रंग है सफेद। आज देवी लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब के पुष्पों की माला जरूर पहनाएं। सिंह राशि, नौकरी में प्रमोशन का योग है, अपने पिता की सलाह जरूर लें, अपना व्यवहार मधुर रखें। शुभ रंग है सुनहरी। आज भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी को गुलकंद जरूर अर्पित करें। कन्या राशि, विद्यार्थी को लापरवाही ना करें, घर में कपूर अवश्य जलाएं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग है हरा। आज भगवान गणेश को दूर्वा और देवी लक्ष्मी को अनार का फल जरूर अर्पित करें। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महा उपाय की जो आजीविका की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसको खत्म कर सकता है। मित्रों, शाम के समय या प्रदोष काल में शमी के पेड़ की जड़ के पास तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाएं और शनि के 10 नामों का कम से कम 5 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी आजीविका की समस्या खत्म होगी। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, स्थान परिवर्तन ना करें, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, व्यापार से लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी। आज देवी लक्ष्मी को लाल फल जरूर अर्पित करें। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। व्यापार में फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी, रात में देर तक ना जागे, मित्रों से मुलाकात भी होगी। शुभ रंग है पीला। आज देवी लक्ष्मी को केले का फल जरूर अर्पित करें। धनुराशि, आज मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पैसा किसी को उधार ना दें। शुभ रंग है नारंगी। आज देवी लक्ष्मी को बर्फी का भोग जरूर लगाएं। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महा उपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों, अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए और इसका खाने के बाद आपको सेवन करना होगा। आपके पाचन तंत्र के विकार, पाचन तंत्र की तमाम समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, नौकरी में कोई बदलाव ना करें, धन का लाभ होगा, मित्र की सलाह लें तो लाभ हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज देवी लक्ष्मी को एक शरीफा जरूर अर्पित करें। कुंभ राशि, धन किसी को उधार ना दें, घर का बना हुआ खाना खाएं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें और इत्र जरूर अर्पित करें। मीन राशि, अपने घर पर समय से पहुंच जाएं, अपने गुरु का सम्मान करें, मित्रों से उपहार मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज भगवान गणेश को लड्डू और देवी लक्ष्मी को मिश्री जरूर अर्पित करें। आइए बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महा उपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट को खत्म करेगा। मित्रों, अपने नहाने के पानी में कम से कम आधा चम्मच कपूर का तेल मिलाइए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक पका हुआ सीताफल परिवार के सभी लोग दायां हाथ स्पर्श करके
किसी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से आप हर दुख परेशानी और संकट से बचे रहेंगे।